वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज से फिर से हम एक बार उसी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमने इसे रोका था। कंसिस्टेंसी कुछ दिन से ब्रेक हुई है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ है। और कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ उसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, बट हालात कुछ ऐसे बने थे जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ। हालांकि मुझे खुद पसंद नहीं है ये बात कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो या फिर जिस फ्लो में हम लोग जा रहे हैं या फिर जो चीज़ें भी चल रही है उसमें कभी रुकावट आए, लेकिन फिर भी परिस्थितियों की वजह से वो रुकावट आई और उसके लिए आप सबसे मेरा सॉरी। लेकिन अब हम जिस मूड में या फिर जिस वे में फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि वो कंसिस्टेंसी कभी वापस से ब्रेक ना हो और लगातार निरंतर हम लोग जिस वे में पढ़ाई कर रहे थे उस वे में पढ़ाई चलता रहे। वैसे भी एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं और हाई क्वालिटी के प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, वो सारे प्रोग्राम बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए और जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था और जो भी ब्रेक हुआ है वो आज से वापस से स्टार्ट हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का जो हमारा वीकली सेशन चलता था उसको हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो इसको 8 जून तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे हमने सबको एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 9 जून से लेकर 30 जून तक, यानी कि 30 जून तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। एक बात और शुरू करने से पहले बता दूँ, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के साथ में आपका नेशनल करंट अफेयर का जो कंसिस्टेंसी है वो भी ब्रेक हुआ है। तो नेशनल करंट अफेयर के भी जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको भी मैं कवर करवा दूंगा। ये बात मैं आप लोगों को भरोसे में दिलाना चाहता हूं कि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटेगा। मुझे पता है कि आने वाले समय में ACF का पेपर भी है, मुझे ये भी पता है आने वाले समय में CGPSC मेंस का भी पेपर है। दोनों के लिए करेंट अफेयर मस्ट हैं, दोनों के लिए बहुत सारी चीज़ें मस्ट हैं। जो यूट्यूब पर प्रोग्राम चल रहा था वो वापस से कंसिस्टेंट चलेगा और जितनी भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल यहाँ वापस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को और बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम पर देखोगे तो दो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ी सी बातें हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इस पर वापस कंटिन्यू आते हैं। अभी हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा CGPSC ACF है और दूसरा है हमारा यहाँ पर CGPSC मेंस। अब करंट अफेयर भी पढ़ना दोनों के लिए है। अब यहाँ पर दोनों के लिए भरोसा मेरा है, 80% की तो गारंटी मैं आप लोगों को दे ही सकता हूँ दोनों में, कि जो भी करंट अफेयर्स होंगे चाहे मेंस के लिए होंगे चाहे CGPSC के लिए होंगे 80% करंट अफेयर्स में कवर जरूर करवाऊंगा। अगर 100% मैं आपको यहाँ पर गारंटी दूंगा, आप लोग एक सवाल पूछोगे सर 100% क्यों नहीं, तो 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ या फिर जो भी व्यक्ति पढ़ाने वाला आपको होगा वो क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर रहा होगा। तो 80% की गारंटी मैं देता हूँ कि चाहे आपका CGPSC मेंस में जितने भी स्कीम्स वाले पार्ट हो गए या वैल्यू एडिशन के लिए जितने भी आपको कंटेंट करवाए गए हैं जो आने वाले समय में करवाया जाएगा वो सारे की गारंटी मेरी है, आपका कुछ भी छूट कर नहीं आएगा अगर आप पूरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो शुरू से या फिर हमारी जो मैगजीन आ रही है उसको पूरी तरह से आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो इसके अलावा ACF के लिए भी, ACF में जितने भी अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 8% क्वेश्चंस मैं आपको करवा के दूंगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 10 में से 10 करवा के दूंगा, लेकिन 100% की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाना है। 100% की अगर आपको कोई गारंटी देता है तो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पर ACF का फिक्र भूल जाइए, CGPSC मेंस का फिक्र भूल जाइए, दोनों के लिए करंट अफेयर की जिम्मेदारी पूरी मेरी है और मैं आपको करवा कर दूंगा। कैसे करवा कर दूंगा, अभी समय है, सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे लाइनअप करेंगे। किसी भी चीज़ का प्रेशर मत लीजिएगा, बहुत इंजॉय करके पढ़ाई कीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकोगे, इसीलिए कभी किसी चीज़ का प्रेशर मत लेना। कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, गारंटी दिला रहा हूँ, ACF और CGPSC मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर मैं आप लोगों को करवा कर दूंगा। तो चलिए
9th ऑफ जून से लेके 30th ऑफ जून तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा सिलसिला चलते रहता है कि हम पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने एनालिसिस किया था उसको सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का जो आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस गठन संकेत यानी कि सिम्बॉल जारी किया गया है, इस प्रतीक का, इस सिम्बॉल का मोटो क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, परित्राणाय साधूनां, सत्यमेव जयते, सर्वत्र बलिदान या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, या सिर्फ इन प्रश्नों के जवाब का कमेंट ही ना कीजिएगा। अगर किसी भी तरह से तैयारी से जुड़ी, करंट अफेयर से रिलेटेड, कब से कब तक का पढ़ना चाहिए, किसी भी तरह से मन में अगर आपका शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है, हाल ही में सी वोटर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार लोकप्रिय मुख्यमंत्री की रैंकिंग में भूपेश बघेल को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका जवाब भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको उस ऊपर में आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन वो वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत दिनों का करंट अफेयर है, बहुत दिनों से छूटा हुआ है तो वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ में सारे टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में जितने टॉपिक हैं सारे मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है धमतरी, रायपुर, नारायणपुर या फिर कांकेर? इसका जवाब भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो टोटल तीन प्रश्न है आप लोगों के लिए, तीनों प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। उससे पहले अगर डेली और अपडेटेड रहना चाहते हो तो इन तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी करेंट बेसिस से रिलेटेड या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग यहाँ पर अवेलेबल करवाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो तीनों प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाल ही में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। पदोन्नति का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रमोशन दिया जाता है लोक सेवा में उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट सिर्फ इतना किया गया है कि पहले अगर किसी पद पे लोक सेवा में अगर प्रमोशन देना है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं या किसी और कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं जो छांट बांट करते हैं। अगर मान लो कि मुझे पदोन्नति देना है और जिनको पदोन्नति देना है तो वो उस पद पे कोई भी बैठा हो सकता है, जनरल कैटेगरी का भी बैठा हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, अदर बैकवर्ड क्लास का भी हो सकता है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब ऐसा नहीं रहेगा। तो इस अमेंडमेंट के बाद अब ऐसा हो जाएगा कि जो भी प्रमोशन से रिलेटेड जो कमेटी बनेगी कि कौन से डिपार्टमेंट के लोगों को प्रमोशन देना है, अब इस कमेटी में अब यहाँ पर एसटी या फिर एससी या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के एक व्यक्ति का होना आवश्यक होगा अलग अलग। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये ज़रूरी नहीं था कि एससी का हो, पहले ये ज़रूरी नहीं था कि एसटी के सदस्य भी वहाँ हो, पहले ये ज़रूरी नहीं था कि अदर बैकवर्ड क्लास के भी सदस्य का होना जरूरी हो। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप कमेटी बन रही है जिसको प्रमोशन देना है उसमें इन तीनों के एक एक पृथक पृथक सदस्य होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो बस इतना याद रखिएगा, इतना इस एक्ट में और इस रूल में अमेंडमेंट किया गया है लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इथेनॉल प्लांट स्थापना से संबंधित। हम लोग बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे और कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया है कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में धान का खेती किया जाता है, उपार्जन किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये प्रयास किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में धान से इथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। ये वाला टॉपिक जो है आपका मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका पेपर नंबर जो एसी वाला पेपर है पेपर नंबर 2 उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पेपर नंबर 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब धान से एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से छत्तीसगढ़ को नहीं मिली। हालांकि सरकार बार बार
कोशिश कर रही है। और जो छत्तीसगढ़ की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको प्रायोरिटी पे रखा और इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिल पाया कि छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल प्लांट लगाया जा सके। एक्चुअली मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो छत्तीसगढ़ हर साल लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान का जो है वो खरीदी करती है। पिछले साल भी इतना ही लक्ष्य रखा था, इस साल भी इतना ही रखा था। छत्तीसगढ़ में अगर खपत देखें तो इसमें से लगभग 32 लाख मीट्रिक टन का हो जाता है। बाकी सेंट्रल पूल में इसको बेच दिया जाता है। अब बाकी बचे हुए धानों को यहाँ पर किसानों को फ़ायदा मिल सके, छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट मिल सके, छत्तीसगढ़ को और डेवलप किया जा सके, इसलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर एथेनॉल प्लांट लगाया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल न मिलने की वजह से एक जो है भोरम देव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना में, जो कि कवर्धा में स्थित है, वहाँ एथेनॉल प्लांट इस्टैब्लिश किया जाना है। और ये जो एथेनॉल प्लांट इस्टैब्लिश होगा वो होगा आपका, इसका उत्पादन फिलहाल तो गन्ने से होगा, बाद में अगर धान से अप्रूवल मिल जाता है तो धान से भी किया जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए ये बनता है कि हाल ही में कौन से सहकारी शक्कर कारखाना में या फिर कौन से जगह पे एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई है। तो आंसर आपका होगा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में भी आप इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो ACF का पेपर होने वाला है उसके लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अलावा आपका जो CGPSC का मेंस का पेपर होने वाला है, पेपर नंबर 7 में जो आपका स्कीम वाला पार्ट है उसके लिए भी ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। उस योजना का नाम क्या था? सुराजी गांव योजना। गरवा, नरवा, घुरवा, बाड़ी, ये चार चीज महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखा गया था। गरवा के तहत में बहुत सारे गौठाने बनाई जा रही थी। अब गौठान बनाया गया और गौठानों में गायों को रखा गया। तो अब गौठान में जितने भी गोबर एकत्रित किए जा रहे हैं उसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके, सरकार ने इसके लिए एक पहल शुरू किया है और उस पहल का नाम है गोधन न्याय योजना। यानी कि उस गौठान में गायों या फिर पशुओं की तरफ से जो भी गोबर का उपार्जन किया जाएगा, जो भी गोबर उत्पादन होगा, उस गोबर को वो किसान बेच भी सकेंगे और उस गोबर का उपयोग जो है कंपोस्ट खाद बनाने में किया जा सकेगा। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और इससे नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी में, तो उसमें जो घुरवा है और घुरवा के अंतर्गत जो कंपोस्ट खाद बनाया जाना है उससे कंपोस्ट खाद भी बनाया जा सकता है। तो एक हेल्दी जो फसल होता है उसका उत्पादन भी किया जा सकता है, यहाँ पर किसानों को भी फायदा हो सकता है। तो इसीलिए इस स्कीम को शुरू किया गया है, गोधन न्याय योजना, और इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो भी पशुओं के गोबर है उसको बेचा जाए। उसका रेट किस प्रकार से तय होगा? तो उसका रेट अभी 5 मंत्रियों का यहाँ पर एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाया गया है, ये निर्धारण करेंगे कि उस गोबर का रेट किस प्रकार से रखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इस स्कीम के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनने वाली है जो कि गोबर को किसानों से खरीदने वाली है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और एक बहुत ही सकारात्मक पहल, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो सरकार का जो ये पहल है एक बहुत ही सकारात्मक पहल करने जा रही है। तो याद रखिएगा गोधन न्याय योजना के बारे में, और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये शुरू कब से होने वाला है, तो ये शुरू होने वाला है इसी साल हरेली पर्व के अवसर पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, बायोटेक किसान हब। बस्तर के कुछ जिलों में बायोटेक किसान हब को इस्टेब्लिशमेंट किया जाना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये बायोटेक किसान हब है क्या। तो एक्चुअल में यह छत्तीसगढ़ सरकार का कोई स्कीम नहीं है या फिर छत्तीसगढ़ इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रही है, ये इम्प्लीमेंट करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली भारत सरकार का कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये इम्प्लीमेंटेशन जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में किया जाएगा, और बस्तर के 5 गांव में लगभग 10 से 12 प्रगतिशील किसान जो सक्षम किसान हैं उन किसानों पर ये प्रयोग किया जाएगा। और इस बायोटेक किसान हब में ऐसा किया जाएगा कि जैसे देखिए नॉर्मल में जो फसल उत्पादन होता है उसमें जिंक की मात्रा कम होती है, और इस बायो
टेक हब किसान, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जिंक की मात्रा बढ़ाया जा जाता है। इससे जो फसल का उत्पादन होता है वो थोड़ा ज़्यादा पौष्टिक होता है, वो थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये सिर्फ धान की फसल पे नहीं किया जाता है, बहुत सारे फसलों पे किया जाता है। इसमें अगर आप बकरी पालन कर रहे हो, मछली पालन किया कर रहे हो, तो ये बायोटेक किसान हब जो है इन सब सारी चीज़ों में भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग आप पेपर नंबर 5 में भी कर सकते हो, ACF में भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में जो है बायोटेक किसान हब की शुरुआत करने जा रही है सरकार। तो भारत सरकार का जो कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी है वो आपके बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में और सभी जिलों के 5-5 गांवों में 10-10 प्रगतिशील किसानों का चयनित करके यह बायोटेक किसान हब को एस्टैब्लिशमेंट करने जा रही है। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में कौन से स्थान पे है? 6वें स्थान पे है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर नंबर 5 में इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में कौन से स्थान पे, 6वें स्थान पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हाल ही में एक डेटा रिलीज किया गया है, बस आपको इतना याद रखना है कि 6वें स्थान पे है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से जो है मछली बीज जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के किसानों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो यहाँ के किसानों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है, किससे? आपका मछली उत्पादन से, मछली बीज के उत्पादन से। और सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ में 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था, और यह जो बढ़कर 2020-21 में हो गया 285 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन। ये डेटा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, रैंकिंग भी ध्यान रखिएगा, और 2019-20 और 2020-21 का यहाँ पर आप लोग डेटा भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ रखा था। ये टॉपिक का नाम है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। हमने पहले फेज के बारे में पढ़ा था, अब इसका सेकंड फेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला फेज कब से कब तक चला था? पहला फेज चला था 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। डेट ये वाला मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले ACF के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पहला फेज कब से कब तक चला था, कौन सा अभियान? मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है कि बस्तर को खासकर मलेरिया मुक्त करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और इसके पहले फेस में इतने दिन में लगभग 14,06,000 जांचें की गई, यानी कि इतने लोगों को मलेरिया टेस्ट किया गया और मलेरिया को वहां से ख़त्म करने का एक अभियान चलाया गया। और अभी अभी जैसे बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो यहाँ पर मलेरिया पनपने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसीलिए 27 जून से इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है और ये चलेगा आपका 31 जुलाई तक। और इस बीच में भी लाखों लोगों का मलेरिया परीक्षण किया जाएगा। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, पहला फेज कब शुरू हुआ, सेकेंड फेज कब शुरू हुआ, कब से कब तक चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले फेस में कितने लोगों का सर्वे किया गया, सेकेंड फेस में कितने लोगों का परीक्षण किया जाएगा, इन सब सारी बातों को याद रखिएगा। और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, अगर छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल वैल्यू एडिशन कीजिएगा, चाहे एसी का पेपर हो गया या कहीं भी हो गया, और प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार मिला है। ई पंचायत पुरस्कार किस लिए मिला है? ये मिला है इंफॉर्मेशन एंड कमीशन टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से, प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला है, ई पंचायत पुरस्कार। पूरे देश भर में दूसरा स्थान मिला है और छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार जो प्रदान किया है वो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया गया है। पंचायतों के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का उपयोग किया गया है, जो जियोटेक माध्यम से जो इमेजेस लिए गए हैं कि गांव में किस प्रकार से समस्याएं हैं, गांव में किस प्रकार से काम हुए हैं, इन सब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए पूरे प्रदेश में पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से ई पंचायत पुरस्कार में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए
मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, भारत नेट परियोजना, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि खास छत्तीसगढ़ से अभी इसका उतना रिलेवेंट है नहीं, फिर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग समझिए भारत नेट परियोजना है क्या। एक्चुअली भारत नेट परियोजना को शुरू किया गया था अक्टूबर 2011 में। इसका टारगेट था लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मतलब समझ रहे हो, जमीनी सतह से जो कनेक्टिविटी किया जाता है, जो नेट का कनेक्टिविटी किया जाता है। 2011 में यही टारगेट था कि भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीणों को जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, इसलिए 2011 में इस प्रोजेक्ट को जोड़ा गया था। और इसको एक्चुअल में कहा जाता है भारत नेट परियोजना, जो कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और ब्रॉडबैंड से इसको जोड़ा जाए। और बाद में 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम बदल कर रखा गया भारत नेट। सिर्फ इतना रखा गया था, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि 2000 में जो भारत नेट परियोजना है उसका 2015 में नाम बदल कर क्या रखा गया, तो भारत नेट नाम रखा गया 2015 में। और इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps स्पीड के इंटरनेट के जरिए जोड़ना था। और फर्स्ट फेज जो है 2018 में ये कंप्लीट हो गया था। और 2018 के बाद 2019 में इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ का ग्रामीण इलाका, खासकर बस्तर के वो इलाके जो सुदूर इलाके हैं जहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, उस एरिए में भारत नेट परियोजना के तहत में इस कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। ब्रॉडबैंड भारत नेट परियोजना के तहत वहाँ ब्रॉडबैंड की सुविधा दिया जाएगा ताकि वहाँ पर भी नेट की सुविधा मिल सके। खासकर फर्स्ट फेज में बस्तर जिले के 106 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है जहाँ पर भारत नेट परियोजना के तहत उस ग्राम को नेट कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर छत्तीसगढ़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप वैल्यू एडिशन कीजिए। अगर प्रीलिम्स के में पूछे जाते हैं कि भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग को जोड़ा जाना है या फिर छत्तीसगढ़ के कितने जिले को जोड़ा जाना है, कितने ग्रामों को जोड़ा जाना है, तो 106 ग्राम पंचायत, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में सड़कों का बेहतर नेटवर्क। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक में खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट है छत्तीसगढ़ में विभिन्न रोडों को डेवलप करने से संबंधित, और यह कॉन्ट्रैक्ट जो होगा 2020 से लेकर 2024 तक के लिए होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 1184 किलोमीटर लंबाई की सड़क को डेवलप किया जाएगा। बजट कितना है इस बात पे ध्यान रखिएगा, 4000 करोड़ रुपए का बजट होगा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से अप्रूवल मिलेगा। और सड़क की लंबाई कितनी होगी, 1184 किलोमीटर होगा, ताकि छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल और अधिक बिछाया जा सके। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो मेन कनेक्टिविटी है वो रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी के अलावा, इसलिए रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए, छत्तीसगढ़ को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने जा रही है। 1184 किलोमीटर होगा और लगभग इस पे 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रस्ताव ADB के पास छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भेजा जाना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। ADB इसको शॉर्ट में कहते हैं। यह एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो डेवलपिंग कंट्री को जो ग्रोथ करना चाहते हैं विश्व बैंक की तरह ही, ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो इसमें 31 सदस्य थे और ADB में अभी प्रेजेंट टाइम पर 67 सदस्य हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है एवेन्यू 6 एक्चुअली इसको कहा जाता है 6 ADB एवेन्यू, और ये है मडियोंग सिटी मेट्रो मनीला, जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो ADB के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।
ये एक ऐसा डाटा है जो आप मुख्य परीक्षा में भी इस्तेमाल कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में पेयजल से संबंधित अगर वाटर सप्लाई से रिलेटेड कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ऐसे में पूछा जाता है या मुख्य परीक्षा में कहीं भी पूछा जाता है, तो ये वहाँ पर मस्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। ये कैसे? एक हाल ही में डेटा रिलीज किया गया है। इस डेटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है प्रेजेंट टाइम पर। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला डेटा आप लोगों के लिए हो जाता है ये कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में करवाई जा रही है। और ये शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करवाए जाने के पीछे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्कीम हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम हैं, बहुत सारे स्कीमों पर काम किया जा रहा है। इसमें से कुछ स्कीम की मैं आप लोगों की बात बता दूं तो यहाँ पर 2019 में कौन सा स्कीम शुरू किया गया था, मिनी माता अमृत धारा योजना। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों, बीपीएल परिवारों के घर तक मुफ्त में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था और अब तक जो है 40,831 परिवारों को मुफ्त में घरेलू नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। इसके लिए पानी में जो आयरन की मात्रा होती है, दूर दराज एरियों में अगर चले जाओ वहां पर हैंडपंप लगा हुआ है और हैंडपंप से जब पानी निकालते हैं तो उनको पता नहीं होता है, लेकिन उस पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और उससे कुपोषण जैसी समस्या होती है और भी बहुत सारी समस्या होती है। तो उस एरिया में आयरन के तत्वों को खत्म करने के लिए आयरन रिमूवल प्लांट लगाया गया था जिससे पानी को जो है शुद्ध किया जा सके। इस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाए गए पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए आज के टाइम पर 55 लीटर शुद्ध पेयजल प्रत्येक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ रैंक कौन से है ये दिया नहीं गया है। बस इतना बात याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ अब अग्रणी राज्यों में है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लघु वनोपज पर जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा था उसमें फिर से वृद्धि कर दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कितना कि 25 लघु वनोपज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अब प्रेजेंट टाइम पर इसमें 6 लघु वनोपज की और वृद्धि कर दी गई है और अब टोटल कितना हो गया है 31। तो अगर अभी आपसे प्रेजेंट टाइम पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता है तो आपको आंसर लेना है 31। 25 से बढ़कर 31 हो गया है। किन किन को बढ़ाया गया है इसमें ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तुलसी बीज हो गया, बंजीरा हो गया, इमली बीज हो गया, बहेड़ा हो गया, कचरिया हो गया, हर्रा कचरिया हो गया तथा नीम का बीज हो गया, इन सबको शामिल किया गया है। तो एक बार माइंड में याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से बीज पर जो है और कौन कौन से लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, ताकि जब अगर आपसे पेपर में इस तरह से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता है या नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा माइंड आपका क्लिक होना चाहिए। इसके अलावा 25 और कौन से ऐसे बीज हैं जिस पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, लघु वनोपज पर दिया जाता है, तो इन सब सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और एक बार माइंड में कम से कम क्लिक रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे लघु वनोपज पर हैं जिन पर समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। इस टॉपिक में देखिए, जैसे मान के चल लीजिए ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये अस्पताल है, ये छत्तीसगढ़ का पंचायत है। अब यहाँ तक जाने के लिए मेन रोड से एक कच्चा रास्ता भी जाता है, इसको भी कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो इस कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, मुख्य रास्ते से या अंदर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू किया है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। तो बस इस योजना के बारे में ध्यान रखिएगा, इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और लगभग 1116 कार्य इसमें कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो किस लिए इस स्कीम को लाया गया है याद रखिएगा, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा, ये टॉपिक है राम वन गमन पथ से रिलेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट रखा है राम वन गमन पथ को डेवलप करने का। इसको डेवलप करने के पीछे का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, इससे छत्तीसगढ़ को रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ से रिलेटेड जो यहाँ पर भगवान राम का आगमन हुआ एक सांस्कृतिक एक धार्मिक स्थल बन सकेगा, एक अलग छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। इसीलिए
इसलिए छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ के जितने भी राम वन गमन पथ हैं उसको डेवलप करने का फैसला लिया गया। 50 से ज़्यादा राम वन गमन पथ हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ से भगवान राम कभी न कभी वहाँ से गुजरे। लेकिन शुरुआती चरणों में 9 जगहों का चयन किया गया है जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। कौन से वो 9 जगह हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन अभी मेन टॉपिक समझ लीजिए कि फिर से ये राम वन गमन पथ चर्चा में क्यों है। तो राम वन गमन पथ के बीच में इसको डेवलप करने के लिए जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी, जो सड़कों की ज़रूरत होगी, वो लगभग सड़क बनाए जाएंगे 2260 किलोमीटर का। अब ये 2260 किलोमीटर आप प्रीलिम्स के लिए तो याद ही रखिएगा कि 2260 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। अब इस 2260 किलोमीटर सड़क में, जिसमें से 748 किलोमीटर जो होगा वो नेशनल हाईवेज होंगे। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत में यहाँ पर 121 किलोमीटर सड़क बनाए जाएंगे। इसी तरह 123 किलोमीटर जो सड़क होगा वो ग्रामीण मार्ग छत्तीसगढ़ सड़क विकास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया जाएगा। इसके अलावा 243 किलोमीटर यानी कि 243 किलोमीटर जो सड़क होंगे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा। और इसके अलावा 45 किलोमीटर जो सड़क होगा वो सड़क वन विभाग द्वारा बनाया जाएगा। तो राम वन गमन पथ में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कनेक्टिविटी है। वो इतने किलोमीटर बनाए जाएंगे और इस किलोमीटर्स में इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से निर्माण किया जाएगा। अब मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन से 9 राम वन गमन पथ को डेवलप करने के लिए जगहों का चयन किया गया है। तो इसमें से सबसे पहला है सीतामढ़ी हरचौका का, यहीं से शुरुआत भी हुआ, शुरू हो भी चुका है, जिला है कोरिया। इसके बाद रामगढ़, जिला है सरगुजा। सिवरी नारायण, जिला है जांजगीर चांपा। तुरतुरिया, जिला है बलौदाबाजार। चंदखुरी, जिला है रायपुर। राजिम, जिला है गरियाबंद। सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जिला है धमतरी। जगदलपुर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में भी आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट रखिएगा, जो कि बस्तर में है। और एक है रामाराम, जिला सुकमा। इन जगहों का नाम आप मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, मेंस के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, किससे? छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रोका छोका अभियान। रोका छेका अभियान एक्चुअली इसको कहा जाता है। रोका छेका अभियान का मतलब है, छत्तीसगढ़ में सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ, आप क्लियरली समझ जाओगे, कि मान लो कि फसल की बुआई होने वाली है। जैसे ही फसल की बुआई होती है तो आसपास के जो खुले जानवर होते हैं वो इस तरफ बढ़ने लगते हैं और इस तरफ बढ़कर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो अब इन फसलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक जो है वो कह सकते हो वो चीज़ चलाया जाता है, रोका छेका। तो इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पारंपरिक अभियान को जो है एक राज्य सरकार ने अपना अभियान दे दिया। इस अभियान का नाम रखा गया है रेका छेका अभियान, ताकि किसानों के फसलों को बर्बाद होने से रोका जा सके और इसको गौठानों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इसको पूरे प्रदेश में इस अभियान को लागू करने का निर्णय लिया गया है और ग्राम पंचायत के भीतर जो भी निर्मित गौठान है उसमें 19 जून से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। यानी कि अब यह रेका छेका अभियान जो पहले पारंपरिक रूप था, अब जो है यह एक सरकार ने अपने कैंपेन के तौर पर इसको शुरू कर दिया है। तो रेका छेका कैंपेन के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। इसके बेनिफिट्स तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी फसलों की बर्बादी होती थी वो बच जाएगी। अगर जानवर एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर ही सारे उनके जो भी गोबर्स हैं वो एकत्रित किए जा सकते हैं, तो जो गोबर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारे फायदे जो हैं वो इस अभियान से हो सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से रखिएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन पूरे प्रदेश में किया गया था, पूरे देश में किया गया था, तो एक स्कूली एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन को बहुत प्रभाव पड़ रहा था, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा था। तो छत्तीसगढ़ स्कूल विभाग की तरफ से एक कैंपेन शुरू किया गया था, एक एप्लीकेशन शुरू किया गया था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था, उसका नाम था पढ़ाई तुहर द्वार। अब इस पढ़ाई तुहर द्वार को प्रमोट करने के लिए, फैमिली तक जागरूकता पहुंचाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूज़ किए कर सकें, इसीलिए एक कैंपेन शुरू किया गया है, गुरु तुझे सलाम अभियान।
और अब इस अभियान के तहत में प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रचार प्रसार के जरिए यहाँ पर शिक्षकों को, विद्यार्थियों को एवं पालकों को इसके बारे में बताया जाएगा, इसका नियमित उपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा, इस पर कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है इसके बारे में बताया जा सका, फैमिलीज को मोटिवेट किया जा सकेगा ताकि फैमिलीज जो हैं अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे भेजे और उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें, इसलिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। ये कैंपेन आपका 11 से 23 जून तक संचालित किया जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर इतने दिनों में हमने कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ब्रेक किया, जिस परिस्थिति से भी किया, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे हैं, बिल्कुल भी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ। सारे टॉपिक्स मैंने कवर, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिए हैं, जिसके चांसेस परीक्षा में पूछे जाने के बहुत अधिक हैं। आगे हम लोग पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी आने वाले हैं, तो उसका भी फिक्र आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। नेशनल करंट अफेयर भी बहुत जल्द कवर करवा दूंगा। और वीडियोस पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से सॉरी चाहता हूँ, लेकिन आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि लगातार आपको निरंतर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से जो आपकी नीड है हमेशा फुलफिल होती रहे। और हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।